वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाकिम प्रसाद जी। हाकिम प्रसाद जो इस बार आरा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो इस बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सीधे उनसे ही जानेंगे कि इसके पहले आप भाजपा में थे, भाजपा छोड़कर अब आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, क्या रहेगा चुनावी माहौल? चुनावी माहौल मेरे अनुकूल है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं हूँ, ये जनता चुनाव हमको लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी में मैं जरूर था, हालात बनता बिगड़ता है, परिस्थितियां बदलती है और मैं चुनाव एक समझ जाइए आप घूमिए, अभी तो मैं 6 तारीख को डिसीजन लिया है, 8 तारीख को नॉमिनेशन किए, आज 13 तारीख हुआ, 5 दिन में जो आप बता रहे हैं कि हम कल से हैं तो कल से अन्य जगहों पर गए होंगे। तो चुनाव ये हकीम प्रसाद का चुनाव जनता लड़ रही है आरा विधानसभा का। महागठबंधन है और NDA है, बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े लोग हैं, स्टार प्रचारक भी आएंगे, लोग भी आएंगे, कोरोना काल के बीच चुनाव हो रहा है, कितना चुनौती मानते हैं आप? मेरे लिए चुनौती कुछ नहीं, मैं चुनाव के बारे में बढ़िया से जानते हैं और जनता जब मन बना लेती है तो हेलीकॉप्टर गिरता है, नेता आते हैं, लोगों को कपार पर धूल गिराते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जनता भाषण सुनती है और बाय बाय टाटा करती है। जनता मन बना चुकी है आरा विधानसभा के लोगों ने कि हमको सेवा कराने की ज़रूरत नहीं है, अब उनका उम्र हुआ सेवा कराने का, जब सेवा करने का मौका था तब तो सेवा कर नहीं पाए, अब उनका उम्र हुआ सेवा कराने का तो बोल रहे हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं। तो जनता उनको उनसे चूँकि भोजपुर के गंगा माँ गंगा के तट के जिला है, ये संस्कृति प्रवृत्ति है कि अपने बुजुर्गों से सेवा नहीं कराती है, बड़े बुजुर्गों की आदर करती है, सेवा कराना करना जानते हैं, इसलिए भोजपुर आरा विधानसभा के लोग उनको सेवा के रूप में कि जाइए आराम करिए, झूठों के परेशान मत होइए। तो इन सभी से तो इस बार जनता आपके साथ बिल्कुल, हम आत्मबल मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम समझते हैं कि चुनाव हम दोनों धुरी का वोट लेकर के हम चुनाव जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत। हम मौजूद हैं अभी भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम विशुन सिंह लोहिया जी के साथ और उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जगदीशपुर जो विधानसभा है उसमें क्या चल रहा है चुनावी दौर और क्या होंगे स्थानीय मुद्दे। तो हम मौजूद हैं विधायक जी के साथ और बातचीत करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले जगदीशपुर से आप पुनः राजद ने जो नेतृत्व है उसने भरोसा करते हुए दोबारा भेजा है चुनाव में, पहली प्राथमिकता क्या होगी चुनाव जीतने के बाद अगर जनता भेजती है तो? देखिए, पहले हमारी प्राथमिकता की जो कार्य कहीं अधूरा रह गया है उस कार्य को पूरा करने का, दूसरा है कि हमने हमारी सोच है कि जो शाहबाद के लिए मेडिकल कॉलेज पास हुआ है वो हम प्रयास करेंगे और कि ताकि वह जो है सो शाहबाद के केंद्र में जगदीशपुर हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर बने, उन्हीं के नाम से मेडिकल कॉलेज बने। दूसरा है कि जो आपका नायका टोला मोड़ पर जो जमीन खाली है वहीं वीर कुंवर सिंह के नाम से स्टेडियम बनावें, और तीसरा हमारा है कि डॉक्टर लोहिया जी के नाम से एक महिला कॉलेज यहाँ। मतलब कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी मुद्दे रहेंगे? कृषि के लिए तो हमने काम बहुत कुछ किया है लेकिन अभी कैपकॉम कंपनी के चलते सब किसानों को लाइन नहीं मिला है, इसमें तो हमारी प्रतिनिधिता है कि यह तो किसान का हमारा क्षेत्र है ना, भोजपुर जिला जो है सो किसान का अच्छी है, बिहार ही है किसान का, यहाँ तो कोई फैक्ट्री है नहीं और हमारा तो धान का कटोरा कहा जाता है भोजपुर, इसलिए यहाँ हमारा जो पानी का जो थोड़ा बहुत कहीं और कमी रह गया है बिजली कनेक्शन का, वो अगले चुनाव में जीतने के बाद वो मार्च तक पूरा हो जाएगा। जनता का लगातार जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है कोई लड़ाई में है या कहीं लड़ाई नहीं है? देखिए, लड़ाई में कोई यहाँ नहीं है, जनता अपार प्यार मिल रहा है जनता की, है ना, हमने 5 साल जनता के साथ ईमानदारी से रहा है, कर्तव्यता से रहा है, कोरोना में भी हमने आपको क्षेत्र में घुमा है, गरीबों को जो हुआ है वो हमने कुछ मदद किया। चुनाव की घड़ी में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है प्रत्याशी लोगों का जनसंपर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। फतुहा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर रामानंद यादव, वो अभी पटना सिटी में नामांकन करके आ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके
चक्कर में कौन है, इन्हें क्या किस मुद्दे को लेकर ये तीसरी बार मैदान में आया? रोजगारों का रोजगार दिलाना है, लेकिन सरकार में रोजगार मिला, बहुत लोग का तो आयु खत्म हो गया सर्विस को, तो इंडियन की सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य और विकास के बाद जहाँ करते हैं सेवन ही तो सारा इनका अधूरा है, अटूट का वो पुलिंदा रखे हुए हैं। हर पंचायत में दो एक बाढ़ को बनाया गया और भी पानी गिरते रहता है, कोई पानी का रुकावट नहीं है। और कहते हैं कि हमारा पानी का लेयर बहुत नीचे भाग रहा है, पानी के लेयर को आप ठीक से रखेंगे तो नहीं, गंगा जी है, गंगा जी के पानी को आप किसानों के खेत में देंगे नहर बना करके, तो हमारा पानी गंगा के बे बंगाल में चला जाता है, तो सिंचाई होगा और लेयर भी नीचे मजबूत। आप दो टर्म विधायक रह चुके हैं, आपके क्षेत्र के विकास की बात करें तो क्या कहते हैं? मेरा क्षेत्र में आप फतुहा में अगर शुरू करें, फतुहा में आप जाना चाहिए तो मलवा जाने वाला रोड में छठपुर पुलिया बनाया, हर गांव को मैंने रोड से जोड़ा, पीडब्ल्यू रोड मेरा पहले कहीं बना हुआ नहीं था। फतुहा विधानसभा क्षेत्र में तीन प्रखंड है, फतुहा है, जनता है, संपत है, तीनों में पीडब्ल्यू का भी रोड बनाया। कैसा चक्कर लगता है? चक्कर होगी, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोजपा प्रत्याशी से और जानेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या विजन है ब्रह्मपुर को लेकर के। बाबा परमेश्वरनाथ के ऐतिहासिक नगरी में आप आए हैं, क्या लगता है, क्या आपने विजन बनाया है ब्रह्मपुर को लेकर के, क्या होगा विजन? विधायक बन के सेवा करेंगे, नेता बन के सेवा करेंगे या बेटा बन के सेवा करेंगे? चंदन जी, हम तो हर मंच से और हर सभा में हर मीटिंग में हम यही बात दोहराते हैं कि हमारे यहाँ नैनी जोर हो, छोटकी नैनी जोर हो, या जो भी हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा में जो भी हमारे मतदाता बंधु हैं, हम उनके परिवार के सदस्य बनकर, उनका बेटा और भाई बनकर सेवा करने आए हैं। हम यहाँ नेता बनकर सेवा करने नहीं आए, नेता तो बहुत आए। 30 साल से ये ब्रह्मपुर इतना पिछड़ा है, इतना पिछड़ा है कि आप बिहार में अगर विधानसभाओं में चर्चा करेंगे तो जिस तरह देश में चर्चा होती है कि बिहार पिछड़ा है, उसी तरह बिहार में चर्चा होती है कि ब्रह्मपुर पिछड़ा है। तो इस तो सबने ठगने का काम किया, जो भी थे अभी तक सबने ठगने का काम किया कि नहीं किया, लेकिन आज हमारा ब्रह्मपुर इतना पीछे क्यों है? हम आप ही से प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए ना कि बक्सर का ब्रह्मपुर का आदमी जाता है कि नहीं जाता है बनारस इलाज कराने? बनारस का आदमी आपके यहाँ आता है? आपके यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए राजस्थान जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर का बच्चा आता है आपके यहाँ पढ़ने? ब्रह्मपुर में आता है? नहीं आता है। तो हम पूछ रहे हैं कि किसके चलते नहीं हो पाया? दावे तो सब करते हैं, लेकिन जो दावे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, जो नौजवान हैं उनकी समस्याएं हैं, सभी समस्याएं मुंह बाई खड़ी है। देखिए, कौन दावे करते हैं, कौन वादे करते हैं, उसमें हमको नहीं जाना है। हम ये हम आपको प्रमाणित करते हैं कि जो हम शपथ लेते हैं वो निभाते हैं। हम 6 साल पहले भी MLC रहकर इस क्षेत्र की सेवा कर चुके हैं। आप किसी भी हमारे कार्यकाल में BDC वार्ड के सदस्य और मुखिया, उनकी जवाबदेही थी हमारी। बताइए संजय जी, आपने समर्थन देने की घोषणा की है उल्लास पांडे जी को, आसिया फिल्म के साथ समर्थन देने की बात करें, वहाँ तक की 16 तारीख की हमारी मीटिंग है उधुरा में, सब हमारे कार्यकर्ता आएंगे, 473 कार्यकर्ता है ब्रह्मपुर विधानसभा में, और हम लोग का कोई विकल्प नहीं है। हमारा ब्रह्मपुर विधानसभा इतना पिछड़ गया है कि बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, इसलिए हम लोग इस विकल्प पहुँचे हैं कि भैया हमारे दरवाजे पे आए हैं, बड़े भाई हैं, हम इनका मान्य सम्मान करता हूँ। ब्रह्मपुर के विकास के लिए आप साथ हैं? हाँ, ब्रह्मपुर के विकास के लिए साथ। देखने वाली बात यह होगी कि जो ब्रह्मपुर की जनता है वो अपने सपनों का जनप्रतिनिधि बनाकर किसे बिहार विधानसभा में भेजती है। अपने सहयोगी बबलू उपाध्याय के साथ चंदन कुमार, कशिश न्यूज, बक्सर। आरा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर संजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। संजय शुक्ला जी समाज सेवा के भी क्षेत्र में रहे हैं, इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में रहे हैं, पहले आप इंजीनियर भी रहे हैं, पहले भी दूसरे माध्यम से जनता की सेवा करते रहे हैं, अब मेन स्ट्रीम में आकर जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, आप क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या रहेगा माहौल? चुनाव में जहाँ तक मेरी बात है या जनरल माहौल की आप बात कर रहे हैं, जनरल माहौल ओवरऑल अच्छा नहीं है, है ना? आप देखिए जो नॉमिनेशन का डेट से लेके अभी तक तो किस तरह से चीज़ें जो हैं सामने आई है, जहाँ तक पॉलिटिकल यू नो डिसीजंस की बात है। बहुत दिन आइडियल ऐसे बीत गया था, 3-4 दिन नॉमिनेशन के बाद, हमको लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ है
हमारे जहाँ तक मेरा यादाश्त जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है प्रजातंत्र के लिए। बहरहाल, और जहाँ तक मेरी बात है, ये भी एक कारण है हमें निर्दलीय खड़ा होने का, और एक कारण ये भी है कि कोई भी पार्टी मुझे आकर्षित नहीं कर पाई। हाँ, खास करके मैं बिहार के और भोजपुर के परिप्रेक्ष्य में और पृष्ठभूमि में बोल रहा हूँ, मैं भारत के पृष्ठभूमि पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये असेंबली इलेक्शन है। तो ये कारण है मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, जिस चुनावी मुद्दा के सहारे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा भोजपुर की अगर हम बात करें, आरा की बात करें, तो चुनावी मुद्दा क्या है? सर, बेसिक जिसको बोलते हैं मूलभूत नागरिक सुविधाएं, वो माइनस में अगर मुझसे बोलिएगा उस पर रेटिंग करने को, तो माइनस में मैं रेट करूँगा। तो पहले तो अगर माइनस 10 में है तो मेरा पहला काम रहेगा जीतने पे कि उसको मैं एटलीस्ट 0-0 पे लाऊं और फिर फर्दर उसको इम्प्रूव करूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर संजय शुक्ला जी, जिनका कहना है कि जो आरा की जनता है, इस बार आरा की जनता इनके साथ है कि आने वाले जो चुनाव के परिणाम हैं वो इनके पक्ष में रहेंगे। कशिश न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी चंदन व सुनील के साथ श्रीकांत। अलौली, बात अलौली सुरक्षित विधानसभा की सीट की करें तो यहाँ भी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं साधना देवी के आवास पर। साधना देवी एनडीए समर्थित जदयू की प्रत्याशी है। सबसे पहले ये बताइए क्या मानते हैं आप, किसी को टक्कर दे रही हैं या आपको कोई टक्कर दे रही है? नहीं नहीं, हम तो कोई नहीं टक्कर दे रहा, हम उस लोग को टक्कर दे रहे हैं। क्या आधार है, किस आधार पर लोगों से आप वोट मांगेंगे? हमारा अधिकार है और आधार है कि हमारे बिहार में सरकार है, और हमारे जो बिहार सरकार ने जो काम किया है बिहार में, बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अलौली विधानसभा हम जो हमारे बिहार सरकार काम किए हैं, जो काम आज तक जो 15 साल जो पहले जो सरकार था राजा रानी, तो वो जो नहीं किया था हमारे बिहार सरकार ने किया। अलौली विधानसभा का स्थिति ऐसी नाजुक थी, जो अलौली विधानसभा में ये नहीं पता चलता था कि रोड में सड़क है कि गड्ढे में सड़क है, ये नहीं पता चलता था। जब खगड़िया से लोग अलौली आते थे तो लोग भगवान करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे घर तक पहुँचने के लिए, तब उनको लगता था कि नया जन्म हो गया। लेकिन जब हमारे 2005 में हमारे बिहार सरकार ने हमारे गद्दी संभाले, तो उन्होंने सड़क पुल पुलिया ऐसे निर्माण किए, स्कूल का निर्माण किए, हॉस्पिटल का निर्माण किए कि आज बिहार में उनका नाम है। आपको क्या लगता है अलौली के लिए आपके अनुसार क्या 4-5 बड़ी समस्या है? अलौली के लिए 4-5 बड़ी समस्या है कि हम लोग का उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ उनका खामियां है वो खामियां हम पूरा करेंगे, और जनता की मांग है सिसवा में पुल होना चाहिए, गौर घाट में पुल होना चाहिए, जनता की मांग है। ऐसे हमको अलौली विधानसभा में कोई ऐसी भारी समस्या नहीं है। अलौली की जनता मौका दे देती है तो प्राथमिकता हमारा यही है कि जनता को सेवा करना, और जनता ही हमारा सर्वोपरि देवता है, जनता के बीच में रहेंगे। सुखमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया। आरजेडी प्रत्याशी मुंडा जी है, जुझारू जो पिछले बार भी वहाँ के विधायक रह चुके हैं और इस बार भी पार्टी उनको टिकट दी है, हम जानना चाहेंगे कि इस बार इनकी विकास की क्या क्या मुद्दा रहे? देखिए, कुछ काम हमारे बचे हुए हैं। हम नवोदय विद्यालय जिला में एक आया, 2017 में मैं डीएम से रिकमेंड करवाया, 23 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाया, सरकार रोके हुए। चांद पन्ना पुल 115 करोड़ का डीपीआर तैयार होकर चला गया, मेरे रोके हुए। तालीम पुल रोके हुए है, प्रोसेसिंग प्लांट रोके हुए है, कोल्ड स्टोरेज रोके हुए है, इन तमाम चीज को, शिक्षा को भी सुधारना है हमको, स्वास्थ्य को सुधारना है, क्योंकि हमारा क्षेत्र रूरल एरिया देहाती क्षेत्र है, पहले नक्सल के नाम से जाना जाता था। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि जब से मैं विधायक बना हूँ हमारे यहाँ एक नक्सल बर्दाश्त नहीं हुआ, सारे लोग जो है सामान्य जीवन जीने लगे, उनके विश्वास पर मैं भाई बन के आज खड़ा रहा हूँ 5 साल, आगे भी उनके परिवार का सदस्य बनकर, उनका भाई बनकर उनके लिए काम करता रहूंगा। नहीं, आपका इलाका बाढ़ से काफी ग्रस्त रहता है बराबर, इस पे आप 5 सालों में क्या किया? बाढ़ के क्षेत्र में जब बाढ़ आई, हम लोग उसके लिए दिन रात एक किए, जो बाढ़ पीड़ित थे उनके बीच में रहे, जहाँ तक हुआ हम लोग अपना से, सरकारी सुविधाएं नहीं थी, अब एक पंचायत में 200 पॉलिथीन देता था,
अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, लेकिन बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। आपने सुना मुन्ना यादव जी ने कहा कि बाढ़ के लिए भी अस्थाई करेंगे और बहुत सारे चीजें जो इन्होंने सेंक्शन करवाया लेकिन वो जारी नहीं किया गया है उस पे ये पूरा जीतने के बाद जोर शोर से काम करेंगे। मुजफ्फरपुर से कशिश न्यूज के लिए संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो औरंगाबाद में है और औरंगाबाद में एनडीए यानी कि भाजपा के प्रत्याशी हैं रामाधार सिंह जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, समाज में लोगों के बीच बरकरार तो रहते ही हैं और इस बार एनडीए की ओर से यानी कि भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं आप। सर क्या कहेंगे इस बार का चुनावी जो माहौल है पूरे बिहार की अगर हम बात करें और औरंगाबाद की, औरंगाबाद से आप प्रत्याशी हैं तो क्या रहेगा माहौल? औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत रही है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी बहुत पीछे हैं और हमारी लड़ाई है यहाँ से बहुजन से, कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस से आपकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। दूसरी बात यह समझना चाह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव था गठबंधन के अंदर गठबंधन भी हुआ है, एलजेपी जो है भाजपा के खिलाफ अपने प्रत्याशी को नहीं उतार रही है मैदान में, जदयू के खिलाफ है, तो ये इस विषय में क्या? ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का तेवर आपने देखा है, जो भी एलजेपी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने का दुस्साहस किए हैं कल भारतीय जनता पार्टी उनको रास्ता दिखा दी 6 साल के लिए। इस बार जो है जो चुनाव है कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कई महीनों में अलग चुनाव है, तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि 2015 में जो समीकरण था इस बार का जो गठबंधन है जो राजनीतिक तौर तरीके हैं वो अलग हैं। चुनावी मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि बिहार का सर्वांगीण विकास ही इस चुनाव का मुद्दा है। तो इस पर क्या लग रहा है औरंगाबाद की जो जनता है वो फिर से आपको अपना संदेश लेकर पटना भेजेगी? औरंगाबाद की जनता संदेश लेकर पटना भेज दी है, सिर्फ चुनाव बाकी है और काउंटिंग बाकी है। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको भी महसूस हो रहा होगा। तो ये थे हमारे साथ रामाधार सिंह जी, जिनका कहना है कि औरंगाबाद की जनता का उन्हें भरपूर साथ मिल रहा है और अब तो चुनाव पर नाम जब आएंगे तब यह देखना होगा कि जनता किसे अपने सराखों पर बैठाती है। सहयोगी सुनील के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत। कोई नहीं है टक्कर कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं फतुहा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कुमार के पास। सुधीर जी ये बताइए किन मुद्दों के लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम क्षेत्रीय जो भी मुद्दा हो, फातिमा के अनुमंडल बनाने की बात हो, चाहे फातिमा में महिला महाविद्यालय नहीं है, कच्ची दरगाह में महिला महाविद्यालय नहीं है, जल्ला के लोगों को पटना सदर जाना पड़ता है और फातिमा के लोगों को भी पटना सिटी आना पड़ता है, तो पटना सदर के लिए प्रखंड और फातिमा के लिए मंडल और महिला महाविद्यालय फातिमा में होना चाहिए और कच्ची दरगाह में भी होना चाहिए और संपाचक ब्लॉक में भी होना चाहिए और पटना सदर ब्लॉक में भी होना चाहिए। यह हमारा सब क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा और क्षेत्रीय मुद्दा के आधार पर हम जो है जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मोदी जी के नाम पर एनडीए वोट मांग रही है, लालू जी के नाम पर आरजेडी मैदान में, वैसे में आपको लोग क्यों पसंद? अरे भैया वो आरजेडी के लोग है, उसको नेता मानते हैं, उनको कि हम नेता मानते हैं, भगवान मानते हैं, हमारे लिए जनता भगवान है, हम जनता को मानते हैं भगवान। इस आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, कोई भी टिकट दे दिया दे देंगे तो क्या जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जीत जाएंगे ऐसे ही? क्या जनता जो है जनता वोट देगा और हम जीतेंगे। तो ये निर्दलीय प्रत्याशी है सुधीर यादव, इनका दावा है कि जनता इन्हें भरपूर इस बार पूरा मौका देगी और बड़े बड़े दलों को वो दलदल में ढकेल कर ये निर्दल निकलेंगे। परमानंद सिंह कशिश में पटना सिटी। उबरा विधानसभा में कहें तो लोजपा से इस बार के प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी और प्रकाश चंद्र जी पहले समाज सेवा के भी क्षेत्र से जुड़े हैं और लोगों के बीच हमेशा इनकी मौजूदगी रही है। इस बार लोजपा की टिकट से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सीधे प्रकाश जी से ही जानेंगे क्या लग रहा है इस बार का चुनावी समीकरण कैसा रहेगा। उबरा में सारा समीकरण ध्वस्त है क्योंकि यहाँ पे दो तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक जिनको जनता लड़ा रही है वो मैं हूँ, लोजपा का टिकट होने के बावजूद यहाँ का चुनाव यहाँ का आमजन लड़ रहा है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं
जो किसी दल के समीकरण से चुनाव लड़ रहे हैं उनका अपना कोई मेरिट नहीं है, अपना उनके पास 5 वोट नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय जनता दल से है तो उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुझे यादव और मुसलमान वोट दे देंगे, मैं सदन तक चला जाऊंगा। जो जदयू से है उनके दिमाग में है कि मेरे जात के लोग और प्लस अति पिछड़ा वोट देंगे, मैं सदन में चला जाऊंगा। लेकिन मेरे पास हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन है और मैं जनता के समर्थन से ये चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लग रहा है इस पर उभरा विधानसभा का चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? उभरा विधानसभा का मुद्दा मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जन समस्याएं और जन सरोकार से मैं पिछले 22 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ, लगातार लोगों की भी सेवा करता रहा हूँ। कोरोना जैसी महामारी, आपको भी पता है ये वैश्विक महामारी, 100 साल के बाद जो स्पेनिश प्लेग था उसके बाद ये इतनी बड़ी महामारी आई थी। सारे नेता मुक्त थे, अपने घर में चुप थे, कोई रोड पर नहीं आया, किसी ने सुधी नहीं ली किसी की। मैं लोगों के बीच रहा, पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त हुआ और मेरे टीम के लड़के हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा, एक मेरा ग्रुप है जिसमें 16,000 लड़के मेंबर हैं और सारे लोग सड़क पर रहे, पूरे जिले वासियों को ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर जो फंसे प्रवासी हैं उनकी भी लोगों ने सेवा की। मैं पहले काम किया फिर अब यहाँ आया हूँ। अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारने के बाद फिर दोबारा चुनाव लड़ने ही आते हैं, खुद हार गए तो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, ऐसे भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो कभी विधान परिषद का चुनाव लड़े, अब विधानसभा का चुनाव लड़ने आ गए, 10 साल तक कोई उनको देखा भी नहीं। आप ओबरा के समस्याओं को लेकर सदन में रहेंगे, ऐसा आपका मानना है? ओबरा का चुनाव एक मायने में और खास है, यहाँ कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी जा रही है, सारे के सारे उम्मीदवार बाहर के हैं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है पार्टियों के द्वारा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस नारे के साथ तो ये मैदान में हैं ही, लेकिन ओबरा की जनता का साथ इन्हें भरपूर मिल रहा है और इन्हें ऐसा विश्वास है कि इस बार ओबरा की जनता इनका साथ देगी। बहरहाल वो तो आने वाले चुनाव में ही जनता अपना क्या फैसला लेगी ये निर्णय सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इनका दावा है कि ओबरा की जनता का भरपूर सहयोग इन्हें मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ कशिश न्यूज़ के लिए मैं श्रीकांत। सुनील जी, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव तो कोरोना काल में हो ही रहा है, चुनौतियां क्या क्या मानते हैं आप इस चुनाव को लेकर? देखिए, मेरा किसी से चुनौती नहीं है और इस बार का चुनाव जो है जनता लड़ रही है और जनता के कहने पर ही हम निर्दलीय उम्मीदवार हुए और 5 वर्ष की जो अवधि बीत गई, पिछली बार हमारी चूँकि पत्नी चुनाव लड़ी थी 271 वोटों से हार गई थी, तो जनता को बड़ी अफसोस है इस बात का। और जितना बढ़िया विकास के रास्ते पर तड़ारी चल रहा था, सारा विकास ठप पड़ गया। अब हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है कि लड़कों को कैसे हम रोजगार के अवसर प्रदान करें, किसानों की समस्या बहुत गांव में हम देख रहे हैं, गरीबों को अभी तक से आवास योजना के तहत घर नहीं बना है, तो किसान मजदूर जो बेरोजगार लोग हैं बच्चे उनको रोजगार के अवसर मिले, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये चुनाव है। देखा कि हमने अभी जैसा देखा कि आपका ग्रामीण इलाका गांव के लोगों से भी खासा लगाव है, लोग शहरों में बसना पसंद करते हैं, लेकिन जैसा देर रात या कब जब भी आपको समय मिले आप अपने लोगों के बीच में आ जाते हैं, तो तरारी विधानसभा चूँकि ग्रामीण परिवेश है, कृषि का माहौल है, क्या लगता है कि जो बीच का समय था उसमें कहाँ क्या रह गया? देखिए, 5 वर्ष की अवधि में कभी ऐसा नहीं रहा कि हम अपने जनता को छोड़े, जनता हमेशा जनता के बीच में रहे, जनता के समस्याओं से रूबरू होते रहे और विधायक नहीं रहते हुए भी जो भी संभव था वो हमने कराया। कोरोना काल में भी जैसा आपने बताया कि आप लोगों के बीच लगातार बने रहे थे क्षेत्र में, एक तरफ जब लोग घरों से निकलने से डर रहे थे उस समय आप अपने क्षेत्र में थे, अपनी जनता के साथ थे। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी थी जनता के दिलो दिमाग से कोरोना का भय निकालना और इसीलिए हम कोरोना काल में भी क्षेत्र में घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे कोरोना से कैसे बचना है, सावधान रहना है, ये सब हम लोगों के दिलो दिमाग में जो है जो भय था उसको समाप्त करने का हमने प्रयास किया और हम सफल हुए। बाकी जनता ने तय कर लिया है और जनता ने कह दिया है कि हमें कोई सिंबल नहीं, कोई पार्टी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सुनील पांडे चाहिए। कशिश के लिए अपने सहयोगी सुनील के साथ श्रीकांत। सीधे रूबरू होते हैं समूह प्रसाद सुमन से, जानते हैं जिस बार जदयू ने आपको सिंबल दिया है, पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्रायोरिटी रहेगी वहाँ के लोगों के लिए? जी, निश्चित रूप से NDA समर्थित उम्मीदवार के रूप में जदयू से
मुझे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी मुझ पर भरोसा जताते हुए मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देने का काम किया। इसके लिए हम तहे दिल से हमारे एनडीए के सभी सम्मानित नेता के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि मनिहारी जो है बाढ़ गंगा का कटाव एक मुख्य समस्या, विस्थापित की समस्या मुख्य रही, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी इस बार? ये तो काफ़ी अहम मुद्दा है हमारे, खास करके मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ कटाव और विस्थापित परिवारों का समस्या है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जब से हमारे कटिहार के एमपी श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी चुनाव जीतने के बाद इस विस्थापित परिवार के बारे में, कटाव के बारे में काफ़ी गंभीरता से लोकसभा के सदन में मामला को उठाया गया था। और आपको पता होगा कि ये काम भी चल रहा है, ये ठोकर बनने वाला काम जो है वो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले बाढ़ आ जाने के कारण ये कार्य जो है अभी बंद हो चुका है। जैसे ही पानी का स्तर नीचे होगा फिर से ये कार्य प्रारंभ होगा। रोड की बात करें तो काफ़ी बदहाल है, मनिहारी से अहमदाबाद जाने की सड़क के बदहाल है, तो सड़कों को लेकर क्या प्लान है, मास्टर प्लान है? नहीं, इधर कुछ दिनों से, पहले तो काफ़ी अच्छे सड़कें बनी थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से भारी वाहन चलने के कारण जो है सड़क की स्थिति कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, और स्वास्थ्य की भी स्थिति बदहाल है मनिहारी में, कुछ खास इस मामले में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस दिशा में स्वास्थ्य के को सुदृढ़ बनाने के लिए इस दिशा में कोई पहल? नहीं, ऐसा नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो पहले की अपेक्षा काफ़ी डेवलप हुआ है। आपको पता होगा कि पहले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था था, खास करके सरकारी अस्पताल का ये हालत था कि लोग डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए, आज से 15 साल पहले की बात करें तो लोग डेथ हो जब लोग हो जाते थे तो पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचता था। और आज देखिए हर सरकारी अस्पताल में चाहे डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहता, साफ सफाई है, एक्सरे मशीन है, सारी सुविधाएं हैं। जनता जनार्दन, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन ने एकदम मन बना लिया है तीर छाप को भारी बहुमत से विजयी बनाने का। ये थे हमारे साथ शंभू सुमन, जो कि वहाँ के जिला पार्षद भी रह चुके हैं और नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं। इनका खासा अनुभव है और इस बार जदयू के प्रत्याशी हैं वहाँ से। देखते हैं जनता का क्या मूड होता है, जनता इन्हें सिंहासन का ताज देती है या नहीं। हालांकि इनका स्पष्ट विजन है कि आने वाले समय में जो भी विकास के अधूरे कार्य हैं मनिहारी में वो उन्हें पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन विजित के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल, अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो औरंगाबाद में है और औरंगाबाद में एनडीए यानी कि भाजपा के प्रत्याशी हैं रामाधार सिंह जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, समाज में लोगों के बीच बरकरार तो रहते ही हैं और इस बार एनडीए की ओर से यानी कि भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं आप। सर, क्या कहेंगे इस बार का चुनावी जो माहौल है पूरे बिहार की अगर हम बात करें और औरंगाबाद की, औरंगाबाद से आप प्रत्याशी हैं तो क्या रहेगा माहौल? औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत रही है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी बहुत पीछे हैं और हमारी लड़ाई है यहाँ से बहुजन से, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस से आपकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। दूसरी बात यह समझना चाह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव था गठबंधन के अंदर, गठबंधन भी हुआ है, एलजेपी जो है भाजपा के खिलाफ अपने प्रत्याशी को नहीं उतार रही है मैदान में, जदयू के खिलाफ है, तो ये इस विषय में क्या कहें? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का तेवर आपने देखा है, जो भी एलजेपी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने का दुस्साहस किए हैं, कल भारतीय जनता पार्टी उनको रास्ता दिखा दी 6 साल के लिए। इस बार जो है जो चुनाव है, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, कई महीनों में अलग चुनाव है, तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि 2015 में जो समीकरण था, इस बार का जो गठबंधन है, जो राजनीतिक तौर तरीके हैं वो अलग हैं। चुनावी मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि बिहार का सर्वांगीण विकास ही इस चुनाव का मुद्दा है। तो इस बार क्या लग रहा है, औरंगाबाद की जो जनता है वो फिर से आपको अपना संदेश लेकर पटना भेजेगी? औरंगाबाद की जनता संदेश लेकर पटना भेज दी है, सिर्फ चुनाव बाकी है और काउंटिंग बाकी है। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको भी महसूस हो रहा होगा।
तो ये थे हमारे साथ रामाधार सिंह जी, जिनका कहना है कि औरंगाबाद की जनता का उन्हें भरपूर साथ मिल रहा है और अब तो चुनाव पर नाम जब आएंगे तब यह देखना होगा कि जनता किसे अपने सर आंखों पर बैठाती है। सहयोगी सुनील के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत। कोई नहीं है टक्कर कार्यक्रम में। आज हम पहुंचे हैं फतुहा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कुमार के पास। सुधीर जी, ये बताइए किन मुद्दों के लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम क्षेत्रीय जो भी मुद्दा हो, फातिमा के अनुमंडल बनाने की बात हो, चाहे फातिमा में महिला महाविद्यालय नहीं है, कच्ची दरगाह में महिला महाविद्यालय नहीं है, जल्ला के लोगों को पटना सदर जाना पड़ता है और फातिमा के लोगों को भी पटना सिटी आना पड़ता है, तो पटना सदर के लिए प्रखंड और फातिमा के लिए मंडल और महिला महाविद्यालय